जी हाँ दोस्तों, कम पैसों में जबरदस्त ब्लूटूथ कीबोर्ड विद माउस फ्लिपकार्ट से परचेज किया है मैंने इस प्रोडक्ट को। देखते हैं इसकी डिटेल कैसा दिखता है ये और इसका क्या फंक्शन है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लिपकार्ट से ये परचेज किया, आप देख सकते हो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। और अंदर देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं इसे। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये काफी खूबसूरत पैकिंग है। और इसे सीधा कर लेते हैं यहाँ पे डेल। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग और इसके ऊपर आप देखोगे तो लिखा हुआ है डेल वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। तो और यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे बार कोड्स हैं, इसे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ से ओपन किया जैसे ही तो आपके सामने पेश है काफी खूबसूरत वायरलेस कीबोर्ड, डेल का है। और ये कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, आप पढ़ भी सकते हो नहीं भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। वीडियो देखकर आप आसानी से इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बिल है ये, आप देख सकते हो इसमें GST और जिसकी प्राइस लिखी हुई है। तो आप मैच भी करा सकते हो। मैंने परचेस किया है इसे फ्लिपकार्ट से। और यहाँ पे है इंस्टॉलेशन गाइड, आप इसे क्विक स्टार्ट गाइड भी कह सकते हो और इससे आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको इंस्टॉल करके पूरा दिखाऊंगा इसे, पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और इसमें क्या है देखते हैं, इसमें है माउस। तो ये है माउस, वायरलेस माउस, काफ़ी खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्या है इसमें, तो सबसे पहले कीबोर्ड को ही देख लेते हैं हम लोग। कीबोर्ड उठाते हैं यहाँ से, तो भाई कीबोर्ड आ जाइए। तो ये कीबोर्ड है, आप देख सकते हो काफी हल्का है, कोई वजन नहीं है ज़्यादा, बैग में आसानी से आप रख सकते हो। और ये है इसका की जिससे ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, इसे रख देते हैं यहाँ पे। और ये रहा इसके अंदर कुछ ड्यूरासेल की बैटरीज जो हम यूज़ करेंगे माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए, दो लगेंगे कीबोर्ड में और जो एक है बड़ा बिग साइज दैट इज़ फॉर माउस। तो इसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, कहा जाए तो 1 2 3 4 और तीन, और अगर आप यूजर मैनुअल को भी काउंट करते हो तो 5 पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर ये हमें मिलते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। कीबोर्ड, माउस, ये इसकी बैटरीज और ये रहा की, ये सारे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर थे। अब हम इंस्टॉलेशन देखते हैं कि कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में या आप CPU में, सिस्टम में। तो सबसे पहले माउस, कीबोर्ड, एंड दिस आर द की एंड बैटरी। तो सबसे पहले माउस, माउस में हम बैटरी लगाते हैं, कैसे लगेगा आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा माउस और ये रही बैटरी। माउस के बैक साइड में आप देखोगे यहाँ पे, इसे आप ओपन कर लो कवर को, आसानी से ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसे ऊपर की ओर खींचोगे तो आसानी से ये बाहर आ जाता है। अब इसे हम प्लस माइनस देखकर अंदर की ओर लगाएंगे। तो आपको प्लस और माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आप अंदर देख भी सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस इंडिकेटर रहता है कि किधर माइनस रखना है किधर प्लस रखना है, और इसे आप
प्लस देखो आप, और इसे इस तरीके से लगा दो, और ये आप ऊपर ही रखना है ताकि बैटरी को बाहर निकालने में मदद करता है ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप है। इसे थोड़ा अंदर करके आप इसे कवर को फिट कर दो, आप काफ़ी आसानी से ये फिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप इसे साइड कर देते हैं। अब देखते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड में ये दो बैटरी लगेगी और कैसे लगती है वो देखते हैं। कीबोर्ड को बैक साइड से ओपन करेंगे हम लोग, तो इसे जैसा माउस में था वैसे ही कवर को हम यहाँ से निकालेंगे। ये निकल गई। अब इसके अंदर दो बैटरी प्लस का मार्क आप देखोगे, उसके अंदर स्लॉट के अंदर भी लिखा होगा प्लस किधर रखना है माइनस किधर रखना है। चलिए लगाते हैं। तो मैंने देखा इसमें प्लस जो है आपका लेफ्ट साइड है, तो इसे बैटरी को घुमाया और इसे अंदर हमने लगा दिया। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करके और थोड़ा सा ऊपर से हमने दबा दिया, ये फिट हो गया। अब इस कवर को हमने दोबारा लगा दिया। अब इसके पीछे देखोगे आप तो दो स्टैंड्स हैं जो कीबोर्ड के पीछे होते हैं, और इसे हमने ऊपर कर दिया ताकि थोड़ा टिल्ट हो जाए, टाइपिंग में आसानी होगी आपको। और यहाँ पे आप माउस को पीछे से आप देखोगे एक बटन है जिसे आपको ऑन करना जरूरी है, तो यहाँ आप देखोगे ऑन और ऑफ दिख रहा है। अब मैंने इसे ऑन कर दिया यहाँ पे, और उस सेट करोगे आप तो ऑफ हो जाएगा, तो ऑन कर दिया हमने। अब इस की को कहाँ लगाना है, यूएसबी पोर्ट में, जो आपके लैपटॉप में या सीपीयू में अगर यूज़ कर रहे हो तो आप बैक साइड में लगा सकते हो या फ्रंट साइड में भी लगा सकते हो। इसे मैंने यहाँ पे साइड में जो स्लॉट होता है वहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, ये लग गया। अब देखो ये कनेक्ट भी हो चुका है, अब माउस और कीबोर्ड दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं कि माउस वर्क कर रहा है या नहीं, और कीबोर्ड भी चेक करेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो आप देखोगे माउस, माउस देखिए काम कर रहा है, ये मूवमेंट है। तो अब देखते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड के लिए कुछ टाइपिंग करेंगे यहाँ पे। एक फाइल ओपन कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, तो उसमें देखते हैं कि क्या ये ओपन होता है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ कुछ टाइप करके देखते हैं कि कीबोर्ड काम करता है कि नहीं। जी हाँ, यह आसानी से काम कर रहा है, देखिए कितने आसानी से सब कुछ इंस्टॉलेशन भी हो गया और वर्क भी फाइन कर रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत, इसके काफ़ी आसानी से आप बटन्स काफ़ी अच्छे हैं, इसे प्रेस कर सकते हो आप, प्रेस करने में भी आसान है। और देखिए मैं कुछ भी लिखता हूँ आसानी से, हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बटन। थैंक यू।